हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस स्टाइल्स एंड मारोल फिटिंग पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि काउंटर वॉस वेशन हम किस तरीके से बनाते हैं, इसकी नाप कितना होता है। पूरी वीडियो को देखने स्किप के बिना पूरी वीडियो का हम सारी जानकारी देंगे आपको। जो हमारा काउंटर वॉस वेशन का प्लेटफॉर्म है वो हमारी डेडो के ऊपर है। डेडो हमारी 6 इंची लगी है, स्कार्टिंग 6 इंची डेडो के ऊपर। ये हमारा डबल पीस में है, जो ये मोटाई देख रहे हो इसकी, ये डबल पत्थर है जो एक दूसरे में हमने ऐसे चिपकाया है एरोराइट से। इस तरीके से आपको सेट करना है। फिर उसके बाद साइड के पीस हम खड़े करेंगे, इसकी भी हम चौड़ाई लंबाई बताएंगे कितनी है इसकी। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना स्किप के बिना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हम जो दीवार के पीस लगाएंगे उसमें हम बहुत कम सीमेंट लगाएंगे, बहुत ही ज़रा सीमेंट लगाकर हम इसको लगा देंगे। बाद में हम इसमें घोल डाल देंगे। इसमें सीमेंट लगाना भी ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि ये ट्यूब से चिपक जाता है एक दूसरे से, ये सीमेंट ज़्यादा पकड़ नहीं करता। सिर्फ इसको दीवार को लेवल करने के लिए सिर्फ सीमेंट लगाया जाता है, जो हमारा पीस पोला ना रहे, ठोस हो जाए। और जो भी हम पीस चिपकाएंगे वो हम एरोराइट से चिपकाएंगे। एरोराइट या और कोई भी सलोचन आता हो आपके पास तो फिर आप उससे चिपका सकते हो, मगर वो मार्बल चिपकाने वाला ट्यूब हो, सलोचन हो, मार्बल चिपकाने वाला उससे ही चिपकाएँ। अगर आपके पास एरोराइट नहीं है तो फिर। और जो हमारा दीवार के साइड से वो भी हमारा सॉल में पीस रहेगा, और जो हम ये पीस लगा रहे हैं ये भी हमारा सॉल में रहेगा, दोनों साइड से, सामने से भी और साइड से भी। जैसे ये हमारा सामने से सॉल में है बिल्कुल सीधा। अगर आपका सॉल में नहीं होगा तो फिर अगर आप रेंके लगवाओगे इसमें, कवर करोगे, तो फिर उसमें काफ़ी दिक्कत होगी फर्नीचर के काम में। आपको बिल्कुल सॉल में रखना होगा, बिल्कुल दोनों सामने से भी और साइड से भी, जैसे आप ये हमारा है। अगर हमारा सॉल में होगा तो फिर हमारी दोनों साइडें बराबर होगी। जैसे ये हमारा 7.25 है और नीचे की भी हमारी 7.25 है, बराबर है। अगर आपका सॉल में नहीं होगा तो फिर ये भी बराबर नहीं होगी, लंबाई भी आपकी बराबर रहनी चाहिए ऊपर और नीचे दोनों साइड से। फिर उसके बाद जो हमारा ऊपर का टॉप है हम वो काटेंगे, किस तरीके से काटते हैं पूरी जानकारी देंगे वीडियो को, स्किप के बिना पूरी वीडियो देखना। मैंने जो ये मार्किंग की है ये 20 सेंटर से मार्किंग है। जो मैंने इसमें वॉश बेसन के प्याले में जो भी मार्किंग की थी इससे पहले वो भी मैंने 20 सेंटर से की थी। जो उसमें निशान लगाया था वही इसके निशान के हम बराबर रखेंगे और उसके बाद हम मार्किंग करके इसे काट देंगे, कटाई करेंगे इसकी। ये हमने डबल पीस में काटा है, जो पहला पीस है उस पर हमारा वॉश बेसिन का कॉलर आएगा और दूसरे पीस के ऊपर हमारा मार्बल का जो टॉप लगेगा वो आएगा, और नीचे हमने ये रेड पट्टी लगाई है इसकी सपोर्ट के लिए, मजबूती के लिए। इस तरीके से लगाया जाएगा, जैसे आप देख रहे हो पहले पीस पे टिका है, दूसरा पीस इसके लेवल है। उसके बाद हम काउंटर काटेंगे। काउंटर काटने के लिए हमें बीच में मार्किंग लेने के लिए हमें बीच में होल करना होगा। जैसे ये मैंने कटाई कर दी बीच की, बीच में जब तक आप नहीं कट मारोगे तो फिर इसकी मार्किंग नहीं हो पाएगी। मार्किंग से आपको दो सूत छोटा काटना है, ऐसे गोलाई इसकी आप जो काटोगे वो दो सूत छोटी काटना है मार्किंग के निशान से। ये हम साइड का पीस लगाएंगे। साइड के पीस में सामने की ओर हमने इसमें स्टेप दिया है, जैसा आप देख रहे हो नीचे साइड में कोना और ऊपर इस डेडो के साइड में जो हमारी स्कार्डिंग लगी है उस पर रखा है। ये काउंटर टॉप लगाने से पहले उसकी मोल्डिंग कर लें आप। ये हम वाइट सीमेंट लगा रहे हैं, जो वाइट सीमेंट से हम वॉश बेसिन सेट कर देंगे, इसको लगा देंगे। और जो हमारा काउंटर टॉप है उसको भी हम इसी पे लगा देंगे, क्योंकि हमारा जो काउंटर टॉप है, एक बात और मैं आपको बता दूं, वो हमारा अभी सिंगल पत्थर है, उसको हम लगाने के बाद उसमें पट्टी चिपका देंगे दोनों साइड से। जैसा हमारा ये खड़ा वाला पीस है इसमें भी हम पट्टी चिपका के इसको डबल कर देंगे, और जो हमारा ऊपर का काउंटर है उसमें भी हम पट्टी चिपका के सामने की साइड से उसको भी हम डबल कर देंगे। जैसे ये हमारा वॉश बेसिन थोड़ा गोलाई में है इसलिए हम दोनों सामने और पीछे साइड में सीमेंट लगा रहे हैं इस तरीके से। जैसे ये हमारा एक साइड में तो मार्बल के लेवल है,
ये वाली, और ये हमारी थोड़ी डाउन है इसलिए हमने यहाँ पर सीमेंट लगा दिया। ये भी हमारी डाउन है इसलिए हमने यहाँ पर भी सीमेंट लगा दिया। ये हमारी लेवल है तो फिर हमने यहाँ पर सीमेंट नहीं लगाया। वॉश बेसिन लगाने के बाद हमारा प्रोसेस होता है टाइल्स लगाने का। टाइल्स लगाने से पहले आप ज़रूर पानी डालें क्योंकि जो भी डस्ट हो वो साफ़ हो जाए। टास्क लगाने के बाद हम इसकी पेस्टिंग कर देंगे। जो भी हमारे जॉइंट होंगे उस पर हम ग्राउट लगा देंगे। आप हमेशा ग्राउट से पेस्टिंग करें इसकी। ये हमारा रेडी हो चुका है। जो हमारा ये नीचे सबसे नीचे जो फर्श है वो हमारा अभी उसकी घिसाई पॉलिश नहीं हुई है, घिसाई पॉलिश बाकी है। इसकी चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई इसकी 21 इंच है और इसकी लंबाई है, लंबाई इसकी 30 इंच है। जो हमारा नीचे का काउंटर है उसकी चौड़ाई 19 इंच है और लंबाई उसकी 29 इंच रहेगी क्योंकि ऊपर हमारी 30 इंच है। 1 इंच हमारा जो लाल पीस लगा है ग्रेनाइट का उसमें कवर हो गया है। और इसकी हाइट की बात करें, इसकी 33 हाइट है, 33 इंच ऊंचाई है इसकी, फर्श से हमारी 33 इंच इसकी ऊंचाई है।